गाइस मेरा नाम देश राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों सही जानकारी आदमी को सही मंजिल तक पहुंचने में काफी मदद करती है, लेकिन सही समय पर अगर सही जानकारी का आपको पता ना चले तो शायद आपकी मंजिल कहीं छूट सकती है या फिर आपको उस मंजिल तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। इसीलिए मैं लेकर आता हूँ आपके जरूरत की वो सारी इंफॉर्मेटिव जानकारियां लेकर एक वीडियो के माध्यम से जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। मेरी वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड और जनरल स्टडीज से रिलेटेड होती है जो आपको काफी मदद करने वाली होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलता होगा। तो चलिए आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो रिलेटेड है नीट या मेडिकल के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके गया था और सारी सेक्शन के बारे में एक एक कर समझाया था। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ, जो आपके नीट के एग्जाम में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें क्या फी पे करना होगा, किस कैटेगरी को किस तरह के फी पे करने की व्यवस्था है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये सारे नोटिफिकेशन वहां से लेके मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे आपको सटीक और सही जानकारी देने का मेरा पूरा मकसद रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। इसे आप अपने स्तर से उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी पता कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों सबसे पहले नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके हम फी स्ट्रक्चर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। आपको एक मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा, इस मोबाइल स्क्रीन पे गूगल किसी भी ब्राउज़र को खोल लेना है। मैं डायरेक्ट गूगल को ओपन कर रहा हूँ। गूगल के सर्च इंजन में आपको टाइप करना है नीट एग्ज़ाम ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन के सबसे फर्स्ट रो में दिख जाएगा neet.nta.nic.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस, उसका वेबसाइट का ले सारा डिटेल्स आपको ऊपर दिख जाएगा। इस ऊपर वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है और क्लिक करके जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। अब इस वेबसाइट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब इसमें करना क्या है, फी स्ट्रक्चर को जानने के लिए सबसे ऊपर आपको थ्री सिंबल दिख रहे होंगे, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ठीक ऊपर आपको तीन सिंबल दिख रहे होंगे, उसमें बीच वाले सिंबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक सेक्शन खुल के सामने आपके आता है जिसमें बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड हैं और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को सिलेक्ट करना है और उसको क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं एक लिंक आपको मिलता है और उस लिंक के नीचे एक पीडीएफ फाइल मौजूद है जिसको व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है, डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट UG नीट एग्जामिनेशन 2022। ये पूरा का पूरा इसमें आपको डाउनलोड हो चुका है। नीट से रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्टस होते हैं वो यहाँ पर पूरा डाउनलोड हो चुका है। वो 138 पेज का है जो दिखाना संभव नहीं है। चलते हैं और देखते हैं मेन चीज़ इसमें हमको आज जानना क्या है। तो ये है फी स्ट्रक्चर का सेक्शन 2022 का, जिसके एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस है नीट का मेडिकल से रिलेटेड और ये पेज नंबर 5 में आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे पेज नंबर 5 लिखा है 134 का। पेज नंबर 5 में इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल दिया गया है। चलिए अब इसको इससे बाहर निकलते हैं और सिर्फ इस पेज पर फोकस करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या फी स्ट्रक्चर है नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होने का और किस कैटेगरी वाइज इसके फी के जो वेरिएशन है वो किस तरह का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने अभी देखा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके किसी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है और ये जो अभी हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है वो फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन था। अब हम आगे के स्टेप में देखेंगे
और इस नोटिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे कैटेगरी वाइज, किस स्टूडेंट्स के कैटेगरी को कितना फी देना होता है और उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं कि नीट के एग्जामिनेशन के दौरान क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नीट के एग्जामिनेशन का प्रोस्पेक्टस। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे पहुंचते हैं, देखते हैं कि कौन से सेक्शन में हमें फी स्ट्रक्चर का डिटेल्स मिलेगा। और ये हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 5 में, यहाँ पर फी स्ट्रक्चर से डिटेल्स लिखे हुए हैं। चलिए इस पर फोकस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस कैटेगरी वाइज किस स्टूडेंट को कितना फ़ी पे करना पड़ेगा नीट के एग्ज़ाम के लिए। उसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। यहाँ ऊपर लिखा गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नीट यूजी 2022 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स एट अ ग्लांस इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड फी डिटेल्स। यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट दिया गया था वो 6 अप्रैल 2022 टू 6 मई 2022, यानी कि पूरा एक महीना का समय दिया गया था 2022 में जो एग्ज़ाम होने थे। अब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर नेक्स्ट ईयर इसके नोटिफिकेशन जारी होंगे। उसके नीचे देखते हैं लेटेस्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI पेटीएम के किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते थे 7 मई 2022 को 11:50 के पहले आपको पेमेंट का प्रोसेस क्लियर कर लेना था। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में आता है फी पेबल बाय कैंडिडेट, किस कैटेगरी को कितना पेमेंट करना था। जनरल वाले सेक्शन में जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 1600 रुपया पे करना था नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए 1600। और जो इंडिया से बाहर के स्टूडेंट हैं उनको 8500 यानी कि 8500 रुपीज़ पे करना था जनरल वाले के लिए। ऐसे जो आउट ऑफ इंडिया के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सारे कैटेगरी में 8500 ही पे करने थे। चलिए अब दूसरा सेक्शन देखते हैं जनरल EWS OBC NCL। इस वाले सेक्शन में 100 रुपये का इसमें डिडक्शन किया गया है, 1500 रुपया पे करना है 1500 रुपीज़। उसके बाद SC ST PWD BD थर्ड जेंडर के लोगों के लिए 900 रुपया का इसमें फ़ी का पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ नीचे एक अंडरलाइन करके कुछ लिखा गया है प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड एंड सर्विस टैक्सेस GST आर नॉट टू बी पेड बाई द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। यहाँ बताया गया है कि किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज GST गुड एंड सर्विस टैक्स कैंडिडेट के द्वारा पेड नहीं करना है। उसके बाद इसमें बताया गया है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वो यहाँ लिख रहा है टू बी इंटीमीडिएटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी कि नोटिफिकेशन के जरिए आपके वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट, यहाँ भी उसी वेबसाइट पर जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है 2022 के लिए 17 जुलाई 2022 संडे के दिन उसके एग्जाम होने हैं। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कितने समय का आपका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ मेंशन किया गया है 200 मिनट्स का, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं नीट के। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 बजे 2 PM टू 5:20 PM, यानी कि 2 बजे से लेके 5:20 तक आपके एग्ज़ाम के टाइमिंग निर्धारित है। सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ नीट UG 2022 एग्जामिनेशन, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि ये आपके एडमिट कार्ड पे दिखेंगे। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड कीज़, ये आपको उसकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और उस वेबसाइट का भी एड्रेस यहाँ लिख दिया गया है www.nta.ac.in, कॉमा देखिए एक और वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है https://nett.nta.nic.in, इसको आप कहीं पर राइट डाउन कर सकते हैं, फ्यूचर में नोटिफिकेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, यहाँ पे जो है जो भी रिजल्ट आपके आएंगे वो NTA की वेबसाइट पर आएंगे और वो आपको वहाँ से जाके चेक करना पड़ेगा। तो ये थे सारे डिटेल्स फी से रिलेटेड, ये फीस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थे इस प्रोस्पेक्टस में 2022 के जो प्रोस्पेक्टस में वो मैंने आपको बताया। उसके नीचे थोड़ा सा और कुछ कुछ लिखा गया है OBC NCL अदर बैकवर्ड क्लास NCL नॉन क्रीमिलियर, यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी हैं उसके फुल डिटेल्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। आपको अगर इसमें जनरल सेक्शन जनरल EWS OBS अगर आपको उसका फुल फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वाले सेक्शन में नीचे जो ये बॉक्स जहाँ ख़त्म होता है उसके ठीक नीचे आपको यहाँ दिख जाएगा,
उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 करके कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं जो मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2022 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट। यहाँ बताया गया है कि नीट का जो फॉर्म है दोस्तों, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये नीट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही आपको उसकी वेबसाइट पर जाके ही फिलअप करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ द नंबर 2 में लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एसेसिंग द NTA वेबसाइट, द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही NTA की वेबसाइट पे जाके आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी मोड में ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट। एक स्टूडेंट को नंबर 3 में यहाँ मेंशन किया गया है, जो स्टूडेंट है एक स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही बार इस नीट के एग्ज़ाम के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। 4th नंबर में यहाँ पर बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द NTA वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट कम्प्लाइंग विथ द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिसक्वालिफाइड। यहाँ बताया गया है कि ये इंफॉर्मेशन जो भी बुलेटिन से NTA वेबसाइट से जो आपने प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैच करके ये काम करना है। अगर किसी तरह का इसमें मिसमैच होता है तो आप डिस्क्वालीफाई माना जाते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर डैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट्स गार्जियंस ओनली एज ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय NTA थ्रू ईमेल ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। यहाँ बताया गया है कि आपको ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर जो भी है वो अपना या अपने पेरेंट्स या गार्जियंस का ही डालना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज NTA के द्वारा आपको भेजा जाएगा इसी नंबर पर भेजा जाएगा और आपसे संपर्क करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर इसमें आप अपना गलत मोबाइल नंबर डालते हैं या किसी और का मोबाइल नंबर डालते हैं तो जो SMS ईमेल एड्रेस वगैरह जो ईमेल एड्रेस जो आप भरे होंगे उस पर अगर गलत ईमेल एड्रेस दिया जाएगा तो वो गलत जगह मैसेज आएगा जिसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। और 6th नंबर पे है इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ बताया गया है कि 6th नंबर में कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइलिंग जो करना है वो ऑनलाइन करना है और उसके बाद डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिपेल का ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। यहाँ पर बताया गया है कि पहले आप NTA की वेबसाइट पर जाके और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की इस पूरी प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिए और उसे अच्छी तरह से पढ़िए समझिए और उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। तो ये था फी स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल्स जो मैंने अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इसको आपको फॉलो करना है और नेक्स्ट ईयर आप जब भी नीट के एग्ज़ाम दें तो इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप भलीभांति समझ लें, इसकी वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए अपना फॉर्म डालें। उससे पहले अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर कराया जाता है, इसीलिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा टफनेस आ जाती है। ये था दोस्तों आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये फी स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस सबसे अलग मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन 2022 का है जिसके एग्जाम्स हो चुके हैं और ये जो फी स्ट्रक्चर है आने वाले समय में इसके फी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसीलिए सारे नोटिफिकेशन पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको नजर रखनी होगी। अगर नेक्स्ट ईयर अगर फी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होते हैं तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सबको इसके बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सकेगा। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी मदद करेगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी मंजिल तक पहुंचने में अपनी भूमिका पक्की कर सके। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।